Hey guys, this is your Karthik and welcome back again to my YouTube channel KS Rides. Finally, we have to leave this beautiful property. बहुत ही सुंदर है ये देखो हम लोग आर्चरी खेल रहे थे अभी यहाँ पे अभी मतलब खेलेंगे और ये देखो ये मस्त है ये जो बाली वाली में मिलता है वही है लेकिन भाई मेरी बीवी को बाली ही जाना है मालदीव से जाना है सब हाइप क्रिएटेड है लेकिन सब कुछ काम यहाँ पे हो सकता है वो सारे फोटोशूट्स होते हैं बहुत ही सुंदर है अपना इंडिया बाहर जाने की जरूरत नहीं लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को जाने का है यहाँ हम रात में खाना खाते हैं मस्त बैठते हैं चिल करते हैं ये सब हमारा कॉटेज है और काया थीरम दिस प्लेस इज इन वर्कला एक्चुअली वर्कला से थोड़ा सा आगे है 7-8 किलोमीटर बहुत शांति है बहुत डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर सकते हो आप यहाँ पे सारी वेडिंग वेडिंग की पार्टी वार्टी की प्लानिंग है इनका गूगल मैप में आप जाके देखोगे तो सब आपको रिव्यूज दिख जाएंगे ये भी डॉम्स हैं खाना खाने के लिए यहाँ पे कुछ और रात में तो बहुत ही सुंदर लगता है अभी चलते हैं ऊपर ट्री हाउस में दिखाते हैं आपको वहाँ से व्यू सनराइज इज ऑल्सो ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर ओ गाइस ऊपर से व्यू देखो यार पूरा बर्ड आई व्यू है इस ट्री हाउस से ये देखो हमारे पंछी ओ माय गॉड ये देखो छोटा सा सेटअप बहुत ही सुंदर है बहुत ही प्यारा और टाइम भी हमारी ऐसी यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है ये पूरे रिसोर्ट में 2 दिन हम थे दिन में बहुत धूप होती थी तो हम वहाँ नीचे चले आते थे पहले दिन ही दिखाया था आपको अब यहाँ से लेकिन जाने का टाइम आ गया और हम जा रहे हैं LAP इस आर्चरी खेल लो बैट शॉट ये हमारा नया खिलाड़ी रेडी हो गया है आज बिल्कुल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंखों में मारेगा गोले में मारेगा और अब भाई ओ वाई वाओ हाँ बिल्कुल ये देखो अरे यार अरे भाई साहब हैट मार देगी आज ये मार देगी मेरे को ना मार दे घुमा के बिल्कुल बाहुबली की तरह उंगली हटाओ भाई यहाँ से वहां मारना तो इनका तीर यहाँ आ गया अगर यहाँ पे ट्रेन से आना हो तो कैसे आएंगे लोग वर्कला स्टेशन है ना तो कभी इधर परूर में भी स्टेशन है सब ट्रेन इधर नहीं रुके मान लो दिल्ली से आ रहे हैं या फिर कहीं से आ रहे हैं वो कोल्लम कोल्लम स्टेशन हाँ कोल्लम स्टेशन लेकिन वो तो दूर है वर्कला सब ट्रेन रुकता है हाँ वर्कला रुकता है अरनाकुलम वाली जितनी भी ट्रेन है वो यहाँ रुकती है ना जो भी है इधर रुकेगा और फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेन से कैसे आएंगे अगर इधर आने का हाँ कॉल करेगा तो मैं आके पिक करोगे मुश्किल नहीं है जो ऐसे हम लोग जानने वाले हैं तो ऐसा रैंडम सर्च करते हैं तो उनके लिए ठीक है अंकल बहुत सारी हेल्प करी है आपने हम लोगों की है ना फिर आएंगे हम लोग कभी फिर आप ट्रेन से आएंगे तो फिर आपको फोन करके आएंगे फोन करो पहले रूम भी देखो अभी तक की जितनी आवाज सुनी है ना सब इसी बंदे की देन है और इससे देन है ये लो तुम्हारी अमानत वही चटक गया पानी में घुस गया है अरे ये सही है भाई शुरुआत हाँ 5 बजे के बाद अगर वहाँ कुछ नहीं है तो ये करना पड़ेगा डी टूरिंग में ज्यादा टाइम लगेगा कि व्यूज के लिए जा रहे हो 32 GB का ले लो तुम 16 GB ये है ब्याज उधार का ब्याज हमने तुम्हें आवाज दी नहीं तुमने हमें आवाज दी हमने तुम्हें मैं मुझे हमारे सिपाही रेडी होते हुए स्टैंड से उतारना मालकिन जरा रुक जाइए UP TN MP DL कोई एक समान नहीं है देश का हर कोना है हमारे पास इट इज हैविंग अंडा नो वी डोंट ईट अंडा फाइनली 8 बजे फिर से निकलने हम जा रहे हैं 5 बजे उठ के 5:30 बजे उठे कितनी जल्दी इतनी जल्दी कोई कर सकता है क्या नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर जर्नी ओके बाय अंकल बाय ए निकल लिए ओ भाई तो सेंटर अभी तक का नहीं खुला 8:10 भाई लेकिन इतनी शांति रहती है यहाँ पे बिल्कुल सून सपाट रहता है यहाँ पे देखो केरला की गली को मतलब ये प्रॉपर गांव है यहाँ का केरल का प्रॉपर गांव है और अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे उल्टे सीधे ये वो नहीं तो घर के अंदर ही इतना बड़ा गेट बनाते कि बस चले जाओ और बस पार्किंग रहती है एक्चुअली में सेंटा ये देखो बस यही वाला घर बोल रहा था मैं अंधा पैसा है भाई अंधा पैसा यहाँ के लोगों के पास सऊदी अवधी से यहाँ वहाँ से वर्कला स्टेशन होगा यहाँ है ना लेकिन स्टिल यहाँ पे अभी ये सब रेलवे फाटक हैं नहीं तो बाकी सब जगह तो ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बना दिए हैं उतनी पॉपुलेशन नहीं है ना यहाँ पे उतना सब कुछ नहीं ये येल्लो अलग बनाते हैं लोग यहाँ पे ये देखो ये कोई पंडित जी महाराज का है यार लॉटरी खूब खेलते हैं यहाँ पे लॉटरी लग गई कभी लगती भी है लोगों के और ये तो वहाँ पे मतलब इनवैलिड होना चाहिए ये तो बंद कर दिया था ना सरकार ने
ये मंदिर है कोई सा, कल देखा था मैंने, लेफ्ट ही रोड ही लेफ्ट में। ओके, ये नीचे से पानी कहाँ समंदर को जा रहा है, कुछ दिखने वाला है बहुत धांसू सा। ओ भाई, भाई क्या सही नजारे हैं यार ये तो। वो देखो सर्फिंग अर्फिंग कर रहे हैं वहाँ पे, सब आ गए ना, पूरा ब्लू वाटर है यार। अरेबियन सी तो अच्छा लगता ही है, बे ऑफ बंगाल तो मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा। हाँ कलर और पानी भी थोड़ा ठीक ही है, और यहाँ पे नहाने के लिए बीचेस अच्छे रहते हैं इनमें। वहाँ पे बे ऑफ बंगाल पे ये देखा है कि बिल्कुल सी शोर पे ही डीप हो जाता है। वो देखो क्या मस्त क्रूज कर रहे हैं ये लोग भी, है ना, चील लोग। ये इस तरफ है बैक वाटर और इस तरफ, और ये मछुआरे हैं मछुआरे। ओ भाई लाइन देखो, गाड़ी की लाइन देखो, गाड़ियों की लाइन देखो, सिर्फ मच्छी का मार्केट लगा है लगता ये लोग। हाँ ओ भाई ये देखो मच्छी मच्छी है, ये पूरा प्रॉपर गांव है केरल का प्रॉपर। ये देखो ये पूरे मछुआरे हैं यहाँ पे, मतलब वो लोग लेने आए हैं मच्छी जो मतलब लोकल रहते हैं और जिनको ज्यादा चाहिए रहती है। यहाँ पे शॉप्स हैं या कुछ है, अच्छा सही है इन लोग का भी, लेकिन यार मेहनत करके कमाते हैं ये, इनका इन्वेस्टमेंट बस यही है यही सब, लेकिन टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता होगा ना इनको। ये देखो ये कितना सही बीच है यार, ओ माय गॉड। वो देखो वो उसको खींच रहे हैं वो बोट को, वो बोट आई है मेरे को लगता वो बहुत पुरानी बोट है कोई आई है क्या। ये पूरा फिशर वाला आईलैंड वो है, बीचेस है फिशिंग बीच। ये सही आ रहा है यहाँ पे, इन लोग का नीचे फोटो वोटो भी हो जाएगा, पास पास है ठीक है, यहाँ पे लाइन से लगा दो बस। तो गाइस देखो कितनी धांसू जगह पे आ गए हैं, तो जैसे मैंने हेलमेट में बताया कैमरे में मतलब गोप्रो में अलग दिख रहा था, और यहाँ पे देखो ये अलग दिख रहा है। मैंने टाइम लैप्स भी लगाए हैं, अभी ड्रोन में उड़ाएंगे। और ये देखो ये पूरा बंदे लोग, और इस तरफ को बैक वाटर है, इस तरफ को समुद्र। समुद्र का कलर अलग दिख रहा है यार, पूरा मतलब अलग ही। ऊपर बादल देखो, मस्त है, केरला इज मस्त, मस्त एंड मस्त। हाँ वो देखो हमारे ड्रोन के पीछे पड़ी हुई है ये चील, ये देखो देखो देखो, देखो, देखो वो बहुत देर से परेशान कर रही है। मारी 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 मारी, ओ बच गए बच गए। ओ भाई वो बस काटना चाहती है उसको, ये क्या है ये। ओ भाई ओ हो, ये कोई वही स्वामी जी हैं, है ना, लिखा क्या है नहीं पता, लेकिन ओए कितना सही लग रहा है यार। बिल्कुल सब झंडे झंडे लेके सारे येलो कलर्स में हैं सारे के सारे, वाव। अरे येलो छाता भी है यार, मस्त है। ये देखो ये पेड़ कितना धांसू है, पेड़ पेड़, वाओ बॉटल से लटकाया गया पूरा। तो भाई ड्रोन उड़ा के बीच में फोटो खिंचा के वीडियोस बना के सब कुछ हो गया, बहुत ही सुंदर बीच था। क्या नाम था भाई बीच का, थेनी बीच, इट वाज द थेनी बीच। लेकिन बहुत ही सुंदर बीच था, बहुत ही न्यूड था, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं था,
और फिशरमैन बीच के बाजू में था, फिशेस बाजू में पकड़ी जा रही थी, उसके बाद में ये बीचेस था, बहुत छोटा बीच था। तो इतनी हाइप फ्री हुई जगह से जाने से अच्छा ऐसी सब जाके जगह पे आके मस्त फोटो वोटो खिंचाओ, चिल करो। यहाँ पे शेक्स वैक्स नहीं मिलेंगे बस, लेकिन देख रहे हो शांति व्यूज ये सब मिलेंगे। वापस केरला की गलियों के अंदर घुस के निकलते हुए ओए 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 प्रॉपर कोस्टल राइड है ये। अरे भाई यहाँ पे तो ये वो वाला बीच है यार जिसमें वो झाग बनता है, झाग बन रहे हैं ये देखो। हाँ 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 ये देखो, ये लोगों ने बनाया गया है यहाँ पे ऐसा, ये सब मैन मेड है। ये पता नहीं क्या टेक्निक है, क्या इंजीनियरिंग है कि इसकी वजह से फ्लड को रोक लेना, वेव्स को तोड़ देता है ना ये छोटे छोटे में, और छोटों में पावर नहीं रहता उस वेव्स में, तो वो कुछ डैमेज नहीं करेगा कोलेटरल। थोड़ी सी रोड खराब है, बाकी तो व्यू तो एक नंबर का है। ये पूरे बीच को ही वैसा बनाया गया है यार, वो मतलब वेव्स को तोड़ने के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि बड़ी आती। अरे अंकल ये कैसा मोड़ दिया उसने गड्ढा बचाने के चक्कर में। ये देखो कौओं की फौज है, कौओं की फौज। ये आ रहा है, ये उड़ रहा है, बिल्कुल डरते नहीं है ये कुछ अर्से कोई सा। अरे ये लोग समुंदर का पानी भी यूज कर लेते हैं क्या नहाने आने के लिए? नहीं ना, पीने धोने होने के लिए कर लेते होंगे, कपड़े भी नहीं धोते होंगे, खराब हो जाते हैं। शू भी बहरा। अरे भाई अंकल शेबू बेरा मैक्सिकन बंदा है, यहाँ कुछ रॉकस्टार वगैरह है क्या? देखते हैं शेबू बेरा को रॉकस्टार टेररिस्ट और क्या क्या है वो जिंदगी में। ओ भाई नींदा करा ब्रिज। ओ भाई मच्छी बसा रहा है यार, रेलवे स्टेशन जैसा है ये पूरा। ये जो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, साउथ की पिक्चरों में कि मच्छी मारने वाला क्रिमिनल वो विलन टाइप का, ये वही वाली बोट्स हैं। और ये पूरा ऐसा जाल से ऐसा बहुत सारी मच्छी पकड़ के इकट्ठा लेके आती हैं समुंदर में से। हाँ तो ये मैन मेड हार्बर होगा। हाँ और इस ब्रिज के नीचे से भी शिप ये जाते होंगे बोट, मस्त मच्छी बसा रहा है। लेकिन और इस साइड पूरे बैक वाटर्स होंगे जिसमें हमने कायाकिंग वगैरह करे। ये देख रहे हो कैसा बंद पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है। बोट रखी है यार ऊपर। सी फूड लाइफ फिश मार्केट। नो नथिंग अन्ना वी आर कमिंग। लेकिन चलता हुआ नहीं दिख रहा यार मेरे को, ये देख रहे हो वो पसरा हुआ है, सही मिलेगा कि नहीं? देखो ये है केकड़े, इतने अच्छे से देखिए उनको बांध के रखा है, उनके डंकों को ऐसे रखे। हाँ ये टेढ़ा क्यों है? ये जिंदा है ना साहब? हाँ और ये ऐसा टेढ़ा क्यों है? ये उठ नहीं सकता क्या? इसके बांध के रखे हैं देखो डंकों। देखो यहाँ भी लाइफ फिश है, मस्त इन्हीं को बना के खाया जाता है। तो लगे जरा भाई, एक राउंड तो हो गया है ना, एक राउंड। लेकिन यहाँ पे ये सब सही है, ये असली मिट्टी है ना। धोते कैसे होंगे यार इसको? इसको मैं पानी डालो, थोड़ा पानी का फील ले वो वाला पानी डालो या ना। मिट्टी बोल दो ले, हाँ, ओ भाई अरे मेरे घी रोस्ट को ठंडा करवा दोगे तुम लोग यार, बको मैं खा रहा भाई। खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन कितने राउंड हो गए सारे है ना, बहुत लेट से ला रही है। ये देखो कितना बड़ा डोसा था, इतना बड़ा। हाँ और अब कितना? हाँ, मैंने मांगा ना, क्यों मांगने पे चाय के साथ खाने में रख रखी, ये बड़ी बात है। पूरा व्लॉग यहीं खत्म हो जाएगा, इसमें अब खत्म नहीं हो रहा इन लोग का। ये देखो लस्सी है, ये लस्सी छाछ है छाछ। तो गाइस फिर से एम्बियंस देख लो, पिछली वाली वीडियो मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वो एक घंटे से चल रही थी, जबरदस्ती की मेमोरी खाली। तो वो वीडियो में हम यहाँ से आए थे और हमने बोला कि बस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और अब धूप हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और अंकल दिखे थे आते हुए, अंकल ने हमको अंदर हाथ दिया था। ओह भाई नहीं डल रहा है यार यहाँ, पता नहीं कुछ बोल रहा है लेकिन डल नहीं रहा है। नहीं डालोगे? ओए किधर चॉकलेट रखी थी ना, मेरे पास चॉकलेट है। ए, ए, Have it. उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ 108 भाई, पता नहीं कैसे गवार टाइप के कैसे हैं यार भाई। 300 बोला मैंने, 300 समझ में नहीं आते कहाँ।
भाई अजीबो गरीब टाइप के इंसान है यार ये लोग, तो अपना बिल्कुल तानाशाही टाइप का कर रहे हैं यहाँ पे भाई। सही में अगला पंथी टाइप का पेट्रोल पंप है यार यहाँ का तो। अच्छा हुआ मैंने नहीं डलवाया, मैंने तो फुल नहीं कराया, कल करा लूंगा मैं फिर। कुछ पुराना सा मंदिर है, अब धूप हो गई है यार भाई बहुत तेज, अभी बजे मात्र 11 है लेकिन धूप दिन के 1-2 बराबर के हो गई है, एकदम गर्मी लग रही है। सच में जब तक छांव रहती है तब तक खींच लो तो खींच लो, मैं लोगों को बोला था, लेकिन थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वेकफास्ट का है इशू। अकेले रहो, अकेले राइड करो तो ये सब इशू नहीं होते, ग्रुप्स के साथ थोड़ा तो मैनेज करके चलना ही पड़ता है। तो कोई नहीं, धूप में भी अपन राइड करके पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वहाँ पे, होपफुली प्लेजेंट मौसम रहा, नहीं रहा तो भी अपन निकल लेंगे। ओए भाई, ओए भाई, यहाँ देख रहे हो अंकल लोग को, बोट का स्पीकर और मस्त चेयर, गेमिंग चेयर जैसा ऑटो को बना के, यहाँ सब ऑटो में ऐसा गेमिंग चेयर जैसा रहता है, कंफर्टेबल चेयर। 82, ये कौन सा मंदिर है भाई, ये कोई बड़ा मंदिर है, कोई राजा वाजा का खाना देता था ये राजा। बस 50 किलोमीटर बचे गाइस, एलएपी में पहुंच जाएंगे हम, होटल हमारा 49 किलोमीटर पे पहुँचने वाला है, और जाते ही साथ में कपड़े उतार के सो जाने वाला है। इतनी धूप भाई, किस बात की धूप है, ये यहाँ के विंटर्स हैं, पता नहीं गर्मी में होता क्या होगा अप्रैल मार्च मई में, मैं तो कभी ना आऊँ। लेकिन मैं एक बार आया था तो मैं कौन सा महीना था, सेप्टेम्बर अक्टूबर का था, बैक वाटर्स दिखने लग गए देखो। जल्दी से पहुंच जाए यार, कोची 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 पहले पड़ेगा बाद में पड़ेगा, बाद में ना कल क्रॉस करेंगे। रोड और ट्रैफिक का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार, एक तो पहले तो पेट्रोल में डिसअपॉइंट हुए और उसके बाद अब पेट्रोल, ये मतलब रोड की क्वालिटी अब भी बिल्कुल सही मिली है ऐसी। थक गए भाई, नींद आ गई इतने समय। अरे इतना गर्म तो मेरे को चेन्नई साइड में नहीं लगा, ईस्टर्न कोस्टल में नहीं लगा, उस समय वहाँ पे मौसम थोड़े प्लेजेंट थे। कितनी पुरानी गाड़ी है यार, मेंटेन करके रखा है, KED 9797, ये है वो अमिताभ बच्चन लोग जो पहले चलाते थे ना पिक्चर में, वो वाली गाड़ी है यार ये 240D, उस समय की ये मतलब इम्पोर्टेड गाड़ियों में से थी। जब तक है जान, थोड़ा इन लोग की नींद भी भाग जाएगी। आते जाओ, ये कोला वोला पियेंगे क्या, लेकिन बहुत गर्म है यार, छाँव नहीं है, गाड़ियों के बीच में इतना गैप है, लेकिन भाई इंसान ना ये यहाँ चल रहा है ना वहाँ चल रहा है। भाई रैश ड्राइविंग के तो मैं भी खिलाफ हूँ, लेकिन कम से कम तुम ये देखो इतना गैप है, तुमको अगर चलना है तुम अपने साइड दबा के चलो ना यार, तुम बिल्कुल ऐसा चल रहे हो उस साइड से, और यहाँ पे आ रहे हैं तो तुमको कुछ भी समझ में आता है तुम दबा देते हो। इनको लगता है कि धीरे चलाने से गाड़ी ज़्यादा दिन तक का चलेगी, अच्छी रहेगी, दैट्स गुड। मेरे को वहाँ दिखा नहीं दिया पहले, उन लोगों ने वो किया नहीं, तो अभी कितनी देर वेट करना पड़ेगा हमें। अरे धूप में भाई, ये ब्रिज बैक वाटर पे ही है यार, ये क्या बना रहे हैं यार ये लोग, आइलैंड टाइप का बना दिया है वहाँ पे तो। हाँ ये पूरा बैक वाटर है इस साइड, और इस साइड समुंदर। अतिक्रमण हुए हैं यहाँ पे भयंकर, घरों को सामने से तोड़ा गया है, और ये कईयों के आंगन ही गए होंगे बस। चलो 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 चलो, क्या हो गया, ये लोगों को मस्त मज़ा आता होगा यार, पीछे बिल्कुल समुंदर है, उनके पीछे तो बिल्कुल खटाखट हवा आती होगी। मछुआरों का ही घर होगा या का ना का हो ये भी, लेकिन ये पूरी कोस्टल रोड है, लेफ्ट साइड में ही है ना, और राइट साइड में शायद बैक वाटर राइट साइड में चल रहे होंगे, वो भी बाइक की कबाड़ की दुकान, उसमें बाइक के सारे स्क्रैप पार्ट्स मिल रहे थे। ये देखो कैसा पूरा अतिक्रमण किया गया है भाई यहाँ पे, ये नेशनल हाईवे की हालत है। लेकिन ओ माय गॉड, तुरुला भैया, लेडीज भी है यार, लगेज वो कार में रहता है। विल मीट ऑन पुणे। ओ भाई 60 साल की आंटी है, पूरी फैमिली है यार ऐसा लग रहा है ये तो, ये भी कम नहीं है। एक और अच्छी चीज बताऊं मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो पता चलेगा। देखो मस्त खाली है, हाँ हाँ खत्म हो गई यहाँ पे तो सर्विस, ले जुड़ गई सब। अल्लापुजे बाईपास, अल्लापुजे टाइन टाउन, मतलब अंदर ही जाना है टाउन, अपन को सिटी नहीं है ये, एक सिर्फ टाउन है समझ लो। बड़ा कंफ्यूजिंग है यार ये तो, क्योंकि ये सामने का ट्रैफिक भी आ रहा है ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, नहीं तो नहीं होता कुछ को। अच्छा यही आगे जाके
एक कोची पनवेल होते हुए फिर वो जाएगा है ना, प्योर वज रेस्टोरेंट KFC। देखो घुसते ही साथ मिल गया और घुसते ही साथ खत्म भी हो जाता है भाई। ये अंधेरा होते सब बंद, सब कुछ बंद। देखता हूँ मैं अभी भी मेरी मसल मम मेरे में याद होगा कि नहीं होगा कि जहाँ जहाँ हम गए थे यहाँ। मैं तो, मेरे को तो बहुत साल हो गए, और वो होटल वोटल ये वो याद रहेगा कि नहीं पता नहीं। नहीं यार मेरे को तो कुछ भी नहीं याद आ रहा। ये हाँ हाँ वही है, हेलमेट है मेरा भी वही है भाई। LP बीच यहाँ से 2 किलोमीटर। हाँ बीच आए थे हम तो ऑटो में आए थे, ऐसा कुछ था। नाश्ता वाश्ता करे थे हाँ, देख रहा था मेरे को। हाँ ये ब्रिज भी था, यहाँ भी आए थे, यहाँ पे इंगेजमेंट हुई थी पता। ये वाला होटल था अक्का, पेरी अक्का, अन्ना नहीं जाने देगा सीधा ना। ये होम स्टे है क्या? ओ भाई बड़ी मुश्किल से पहुंचे। अरे अभी कच नहीं लगा पाऊंगा भाई, मेरे जल रहा है सब। मारने का मन कर रहा, मार दूं। पूछ लो भाई, आज मैं सक्सेसफुली पहली बार बिना गंदा किए मैं तुम लोगों को रूम दिखा सकता हूँ। बस ये जैकेट को इग्नोर करना, ये देखो साफ क्लीन सुथरा। और ये थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा, आज तो मैं वॉशरूम भी दिखा के रखूंगा। ओ भाई साहब बहुत ही सीता हुआ है। कितने 3 है ना, 4 रूम है और ये 2 हैं, ये 2-3। ओके हमारी गाड़ी लोडेड गाड़ी यहाँ खड़ी है और 2 आना बाकी हैं अभी तो बाकी। भाई रूमों के नाम लिखा है इन्होंने, उनके नाम टोक्यो एथेंस है, रूम के नाम बनाए इनने, पेरिस न्यूयॉर्क। हम न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, हम दुबई में भी रह रहे हैं अभी, और एक पता नहीं कौन सा होने वाला है। ओ पता नहीं। ओ भाई ओ भाई, ये पूरा वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ रूम के टूर्स दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। सेम है यहाँ सीन, सॉरी सेम है। ये वाला बिग बेड। ओह बिग बेड। कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं बिग बेड में से।